हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। आइए सरकार, आइए, बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? कांसा जी, ये गांव भरकौली के जमींदार है और इनका नाम मारा नाम है चौधरी बलदेव सिंह थारा के नाम है जी। मेरा नाम है मेरी जान। मेरी जान, भला ये भी कोई नाम हुआ है? क्यों नहीं जी, कहते क्यों ना हो? जान घना प्यारा नाम है, मोए तो घना ही पसंद है। तुम चुप रहो, ये धारणा किसने रखा? जब मैंने होश संभाला तो सब मुझे मेरी जान कहते थे, बाद में मुझे भी अच्छा लगने लगा, अब मेरा नाम मेरी जान पड़ गया है। मारी जान, थारा नाच देख के तो मारे दिल की हालत गाने ही खराब हो गई है। और देखियो मारे होश तक कतई उड़ गए हैं। क्यों नहीं जी, कहते क्यों ना हो? हाँ जी, ये तो कतई पागल हुए जा रहे हैं। और तबले तो देखो ही होएगो, जब स्टेज पे नाच रहे हैं इनकी धोती खुल गई फिर भी नाचते ही जा रहे हैं, स्टेज पे नाचते ही जा रहे हैं। सरकार, मेरी भी हालत आप जैसी ही हो रही है, पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया है। देखिए, हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। क्यों नहीं जी, कहते क्यों ना हो? अजी, हम तो दोनों ही आपसे प्यार करने लगे हैं। दोनों? नाना, मुनीम जी तुम भी कहा पीछे बकवास करते रहो, तभी तो कहे जाओ कि मुनीम जी कहते क्यों ना हो, मुनीम जी कहते क्यों ना हो। और जब बोलो तो बकवास बताओ, ठीक है? मैं बोलू ही ना हूं आपके। हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। ये प्यार क्या होता है? ये सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, एक बार हमारे गले लग जाओ। क्यों नहीं जी, कहते क्यों ना हो? ये भी मैं ना कहता कुछ भी, जो कह रहा तभी कह लो। क्यों पिटने के ढोल कर रहे हैं? आओ ना, हमारे गले लग जाओ ना। ना जी ना, मेरी माँ यूँ कह रहे, गैर मर्द के गले लगने से बुरी बात होवे। मैं तुमसे ब्याह करना चाहूँ। सरकार, तुम कहाँ या मेरी जान के चक्कर में पड़ रहे हो? घर ना चलना हो, ट्रैक्टर ना ले हो, वहां जमींदार की धंधु का उतार रही होगी। सरकार, पहले तो आप इन्हें चुप कराइए, ये बात ही ना करने देते, बीच में बोर्ड पे। निंदे, तुम बाहर बैठो। मैं कहा भारी बांधी जा सरकार, नहीं तो सारे उम्र पछताओगे तुम। सरकार, मुनीम ने तुम्हें सुना नहीं देता, बाहर बैठो। मारी ना मानते तो जा लेते में। क्या कह रहे थे आप? मैं तुमसे ब्याह करना चाहूं। पर मेरी माँ तो कहती है अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। मारे यहाँ चल के सब बड़े हो जाओगी। इसके लिए तो आपको मेरी माँ से बात करनी पड़ेगी। तो बुलवाओ अपनी माँ को। माँ, ओ माँ, जरा इधर आना। माँ, ये बहुत बड़े जमींदार हैं, इनका नाम है चौधरी बलदेव सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार। गांव कौन सा है? भरकौली। अरे यू क्या कर रही है, पीछे हटो। अजी, मैंने तो फिल्मों में ही देखा था, जब कोई जमींदार नाराज होता है तो बहुत जुल्म करता है। जब आपने कहा भरकौली, डर के मारे मैंने कोली भर ली। ये तो हमारे गांव का नाम है भरकौली, मैं तो वहां बता रहा हूं। हम और ये थारी बेटी इब थारी बात कर रहे, दरअसल मैं शादी करना चाहूं। थारी बेटी कहन लग गई कि शादी के लिए पहले माता जी से पूछनी पड़ेगी। तुम बताओ, अब शादी के लिए तैयार हो? थारी क्या इच्छा है? ठीक है, जब आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की, पंडित को बुलवाओ और तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पूजा मंगलम गणेश मंगलाय सर्व ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति। भैया कन्या को बुलाइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है।
दीदी मेरी जान को ले आओ। ओम शांति ओम सर्व ब्रह्म देवों में शांति ओम सर्व शांति सर्व ब्रह्म शांति तह शांति ओम देवा शांति ओम शांति ओम सर्व शांति ओम देवो देवो। शादी मेरी हो रही है तुम्हारी? शादी तो मेरी हो रही। ये घर आना वाला कौन है? क्यों, आपने नहीं कहा था मैं शादी के लिए तैयार हूँ? तभी तो मैंने हाँ की थी। इन्हें मैं तो अपनी और मेरी जान के ब्याह की तुमसे रजामंदी लेने आया हूँ ना, तुम मेरी जान से पूछ लो। क्यों रे नासपीति, मेरी शादी की बात कर रही थी या अपने ब्याहले की बात कर रही थी? माँ, आज तूने ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि आज के बाद कोई भी लड़का या लड़की अपनी शादी की रजामंदी अपने माँ बाप से नहीं लेगा, वरना और माँ बाप भी तेरी तरह ही लड़के बैठ जाएंगे। शादी हमें करनी है। ठीक है, तेरे जैसे औलाद पैदा हो जाए तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैं तो सोच रही थी तेरे बाप को मरे हुए 9-10 साल हो गए, मुझे पति का सुख मिल जाता, तुझे बाप का प्यार मिल जाता, लेकिन तुझे तो बाप का प्यार नहीं, खसम चाहिए, खसम। हमें कोरोना महामारी को मात देनी है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बहुत अधिक ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, लेकिन मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।